Assalamualaikum, मैं जुलेखा अरफा जुलेखास किचन से। तो चलिए बनाते हैं चार रेसिपीज रमजान के लिए फ्रीज एंड स्टोर की। स्टोर करके रख दीजिए, जब मर्जी करें निकालें और फ्राई कर लें। तो चलिए बनाते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए, साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिशेस बनाते हैं आज की। चलिए कढ़ाई या फ्राई पैन का चूल्हा चालू कर दीजिए, उसमें तेल डाल दीजिए थोड़ा सा और एक छोटा चाय का चम्मच भरकर कूटा हुआ लहसुन डाल दीजिए। आप चाहे तो हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं इसमें और इसे आधे पौने मिनट तक फ्राई कीजिए। मैं थोड़ा स्लो पे रख रही हूँ और आपको सब्जियाँ बता देती हूँ। पहले ये है 1/4 कप बारीक कटा हुआ फरज बीन, 1/4 कप बारीक कटा हुआ गाजर, 1/4 कप बारीक कटा हुआ पीला शिमला मिर्च और 1/4 कप हरा शिमला मिर्च और 1/4 कप लाल शिमला मिर्च और ये है 3/4 कप बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी। आप चाहें तो अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा सब्जियों को कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं डाल देती हूँ जब लहसुन फ्राई हो जाए तो बारीक कटा हुआ फरज बीन और इसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, थोड़ा सा काली मिर्चों का पाउडर डालकर मिक्स कर लीजिए। चूल्हा मैंने हल्का सा आपने देखा था स्लो पे रख दिया था। अब इसको थोड़ा सा पानी का छींटा मार दीजिए और इसे ढक कर पकने रख दीजिए तकरीबन 3-4 मिनट के लिए, या तब तक पकाएं जब तक स्लो आंच पर ये जो फरज बीन है वो नहीं गल जाती। अच्छा, साइड पर ये मैंने 200 ग्राम चिकन बॉईल करके रखी है, कुछ नहीं नमक डाला था और पानी डालकर अच्छे से बॉईल कर लिया, ठंडी हो गई तो श्रेड कर लिया। 3-4 मिनट हो चुकी है, देख लेती हूँ। ये देखिए बराबर से सब्जी गल गई है, ये वाली चूल्हा स्लो पर ही है। तो यहाँ पर मैं पत्ता गोभी डाल देती हूँ, ये लाल शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च और गाजर डाल देती हूँ। आप चाहें तो हरी शिमला मिर्च भी अभी ही डाल सकते हैं, मैं थोड़ा सा लेटर डालूंगी क्योंकि थोड़ी सी क्रंचीनेस रहे और कलर भी रिटेन रहे। नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार और यहाँ पर मैं 1/4 छोटे चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर भी डाल देती हूँ। आधा छोटे चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालकर मिक्स कर लीजिए। चिकन जो साइड पर रखी है बॉइल करी हुई, श्रेड करी हुई, वो भी डाल दीजिए और इसे मिक्स कर तकरीबन आधे एक मिनट तक फ्राई कीजिए। तो जब तक फ्राई करेंगे ना आधे एक मिनट में, तो ये जो लाल मिर्ची का पाउडर है ना ये भी थोड़ा सा अच्छे से भून जाएगा। एक मिनट हो जाए तो चूल्हा मीडियम आंच कर दीजिए और 1 छोटे चाय का चम्मच विनेगर, 2 छोटे चाय के चम्मच सोया सॉस डाल दीजिए, 1 छोटे चाय का चम्मच चिली सॉस डाल दीजिए, 1 छोटे चाय का चम्मच टमाटर सॉस डालकर मिक्स कर लीजिए। चूल्हा मीडियम पर ही है और इसमें अब आप वो जो साइड पर मैंने रखे हैं मैं वो डाल देती हूँ, शिमला मिर्च बारीक कटे हुए डालकर इसे मिक्स कर लीजिए और मीडियम पर ही रहने दीजिए। और इसमें जो हल्का भी आपको पानी लग रहा है गीला गीला थोड़ा, तो उसे सुखा लीजिए। समझिए ना, आधे एक मिनट में तो वो सूख जाएगा। जब आपको लगे हल्का हल्का नीचे लगने जा रहा है तो बस बंद कर दीजिए। मैं चख लेती हूँ, एकदम परफेक्ट। अगर आपको कम लगे स्पाइस तो स्पाइस डाल दीजिए, बैलेंस कम लगे मीठे का तो वो डाल दीजिए, टमाटर सॉस, नमक कम लगे तो नमक और काली मिर्च से एडजस्ट कर लीजिए, सीजनिंग कर लीजिए। मेरा एकदम परफेक्ट है। मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। अब इसे ढाकिएगा मत, नहीं तो पानी छूट जाएगा सब्जियों का। और इसे ठंडा हो जाने दीजिए रूम टेम्परेचर पे। तब तक हम दूसरा प्रिपरेशन कर लेते हैं, ब्रेड्स के सारे जो कट्ठे हैं, जो एजेस हैं, वो सारे इस तरीके से निकाल लीजिए। अब एक ब्रेड लीजिए और इसे बेलन की मदद से इस तरीके से बेल लीजिए। बेलने का मकसद ये है कि चपटे हो जाएंगे ये, तो सारों को इसी तरीके से बेल लीजिए। ये देखिए सारे बेल लिए ना, तो अब एक ब्रेड बेला हुआ लीजिए, उसके बीच में आप ये जो मिक्सचर है चिकन का ये रख दीजिए और वो जो है वो पानी है, हाँ सादा पानी है, उसे इस तरीके से पानी को चारों एजेस पे लगा लीजिए और इसे इस तरीके से प्रेस करते जाइए। बहुत ही आराम से कीजिएगा, लाइट हाथों से कीजिएगा कि फटे ना, साइड से भी पानी लगाते जाए चारों ओर से और इसे इस तरीके से सील कर दीजिए। तो ये बन गया हमारा एक ब्रेड स्प्रिंग रोल। अच्छा, आप चाहें तो इसी तरीके से सारे बना लें, लेकिन मैं एक दूसरे तरीके से बना रही हूँ। इसी तरीके से एक ब्रेड लीजिए, मिक्सचर बीच में रखिए और मैं है ना आटे की लई से, जो मिक्सचर है आटे का, उससे मैं इसे सील करूँगी। कुछ नहीं, आटा 1 या 2 टेबलस्पून एक प्याली में डालिए, थोड़ा सा पानी डालकर घोल बना लीजिए और इसे पानी के बजाय चारों ओर ये लगा लीजिए और इससे हल्के हाथ से प्रेस कीजिए तो बेटर मुझे ये वाला लगता है। पानी से बार बार खुलने का डर रहता है, इससे क्या एक बार चिपक गया
स्टिक हो गया तो फिर आप फेविकोल का जोड़ है, निकलेगा नहीं। तो इसी तरीके से मैं तो सारे बना लेती हूँ। दो अंडे लीजिए, एक प्याले में डाल दीजिए, थोड़ा सा नमक, 2-3 टेबलस्पून जितना दूध डालकर इसे बहुत अच्छे से फेंट लीजिए और साइड पर रख दीजिए। ये अंडा है, ये ब्रेड क्रम्स है, और ये सारे अभी जो मैंने वार के रखे हैं स्प्रिंग रोल्स ब्रेड वाले, ये वो हैं। अब एक स्प्रिंग रोल लीजिए ब्रेड वाला, इसे अंडे में अच्छे से डिप कीजिए उलट पलट करते हुए, और फिर ब्रेड क्रम्स में अच्छे से ऑल ओवर कोट कीजिए उलट पलट करते हुए, और ये बन गया हमारा एक स्प्रिंग रोल, बढ़िया सा ब्रेड वाला। इसे साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से सारे अंडे में डिप करते जाए, ब्रेड में कोट करते जाए और साइड पर रखते जाए। तो चलिए ये सारे बन चुके हैं, वैसे 13 बने हैं, और बाकी के आप देख सकते हैं वो छोटे छोटे मैंने कबाब शेप दे दिए हैं, क्योंकि पूरी ब्रेड ही खत्म हो गई और दूसरी ब्रेड थी तो वो छोटी थी। लेकिन अगर आप देखने जाएं तो 13 मतलब 14-15 तो आराम से बन सकते हैं। मैंने ज्यादा टाइटली पैक भी नहीं किया है, अंदर मिक्सचर ज्यादा नहीं डाला और ना ही कम डाला है, प्रॉपर मीडियम मिक्सचर डाला है। अब आप चाहें इसे स्टोर करके रख सकते हैं एयरटाइट कंटेनर के अंदर। नीचे आप पहले पेपर डाल दीजिए, बटर पेपर, और एक एक करके इन्हें लगा दीजिए हल्के हाथों से, और फिर से एक बटर पेपर रखिए और फिर से एक एक करके ऊपर लगा दीजिए। इसी तरीके से लेयर पे लेयर लगाकर आप इसे ढक कर डीप फ्रीज मतलब फ्रीजर में रख सकते हैं, तकरीबन 1 महीने तक रख के खा सकते हैं। मैं वैसे कल खाने वाली हूँ। चलिए नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो चुकी है, चूल्हा फास्ट आंच पर मैंने चालू कर दिया, तेल अच्छा गर्म हो गया फास्ट आंच पर कढ़ाई के अंदर, तो उसको मीडियम कर दीजिए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर सबसे पहले तो मैं एक ट्रायल के लिए डालकर देख रही हूँ कुछ टूट फूट तो नहीं रहा है ना। चलिए अब इसे मीडियम आंच पर पकने दीजिए, तब तक पकाएं जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है, उलट पलट करते जाए दोनों ओर से लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसे निकाल कर नितार कर टिश्यू पेपर के ऊपर साइड पर रख दीजिए। अब इसी तरीके से दो दो तीन तीन एट अ टाइम डालें, या फिर आपकी पतीली में जितना स्पेस हो उतने डालें, ज्यादा ओवर क्राउडेड मत कीजिएगा, डालिएगा मत इतने ज्यादा बहुत, और दो दो तीन तीन डालें और इन्हें फ्राई करें और लाइट गोल्डन ब्राउन होए मीडियम आंच पे, उलट पलट करते जाए तो निकाल लें फिर उसे। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने स्टोर करके रखा है तो आपको भी स्टोर करके रखना ही है, कुछ नहीं। आप अगर उसी दिन बनाना चाहते हैं फील फ्री, आप उसी दिन फ्राई कर लीजिए। उसी समय आप चाहे वारने के बाद 1 घंटा रख दीजिएगा फ्रिज में, उसके बाद 1 घंटे के बाद फ्राई कर लीजिएगा। चलिए ये सारे बन चुके हैं माशाल्लाह, ये देखिए क्या क्रिस्पी हुए हैं, एकदम करारे हैं और तेल भी हाथ में नहीं लग रहा है जैसे आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं इन्हें सर्व करती हूँ। ये देखिए मैं आपको काट के भी एक दिखा देती हूँ। जैसे आप सुन सकते हैं कितने क्रंची है माशाल्लाह। तो इसे गर्मा गर्म चाहे तो टमाटर सॉस या चटनियों के साथ सर्व कीजिए। वैसे कुछ चटनियों की रेसिपी डिस्क्रिप्शन के अंदर है। एक बड़े से बाउल में श्रेड करी हुई बॉईल करी हुई 1/2 कप चिकन डाल दीजिए। अच्छा, इसमें कुछ नहीं, मैंने पानी डाला था, अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसे बॉईल कर लिया था। जब 1 टेबलस्पून जितना पानी बचा तब तक चिकन भी गल गई, चूल्हा बंद कर दिया, ठंडा होने पर इसे श्रेड कर लिया। अच्छा, ये 1/2 कप बॉईल करे हुए मैक्रोनीस थे, पास्ता, और ये सारी सब्जियाँ हैं। इसमें डाल दीजिए 3 टेबलस्पून भरकर बॉईल करे हुए कॉर्न्स, 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, येलो वाला पीला शिमला मिर्च, 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ प्याज, और 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई गाजर, आप गाजर ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ ग्रीन शिमला मिर्च, और 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लाल शिमला मिर्च, 1 छोटा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स डाल दीजिए, 1 छोटा चम्मच ऑरेगानो डाल सकते हैं या फिर मिक्स्ड हर्ब डाल दीजिए, मैं ऑरेगानो डाल रही हूँ, नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार। यहाँ पर मैं 4 से 5 टेबलस्पून तंदूरी मायोनीज डाल रही हूँ,
ये आपको वीबा, मैं वीबा की डाल रही हूँ, कोई भी कंपनी की मिल जाएगी। मैंने 4 डाली है अभी फिलहाल और 2 टेबलस्पून टमाटर सॉस डाला है और ये तकरीबन समझिए ना आधा कप खुरची हुई चीज़ है। चीज़ आप अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हैं, पिज्ज़ा चीज़ भी ले सकते हैं। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो कुछ कम या ज़्यादा लगे तो एडजस्ट कर लीजिए, नमक वगैरह, स्पाइस वगैरह। अच्छा, मुझे मायोनीज थोड़ा कम लग रहा है तो यहाँ पर मैं 2 छोटी चाय के चम्मच मायोनीज के डाल देती हूँ। वही तंदूरी वाला मैंने वीबा का था ना, आप कोई भी कंपनी का डाल सकते हैं। और 2 छोटी चाय के चम्मच टमाटर सॉस डाल दिया मैंने और इसे बहुत अच्छे से मिक्स करके इसे साइड पर रख दीजिए। आप भी जो चीज़ एडजस्ट करना चाहते हैं एडजस्ट कर लीजिए, नमक देख लीजिएगा, कम लगे तो डाल दीजिए। अब कुछ ब्रेड के चारों साइड से इकट्ठे काट दीजिए और सबसे पहले तो एक साफ पानी लीजिए और एक ब्रेड को उसमें डालें और इस तरीके से डालने के बाद हाथों की मदद से बहुत अच्छे से प्रेस करके पानी सारा निकाल लें और 1 टेबलस्पून भर कर आप हमारे जो मायोनीज मिक्सचर है ये डाल दीजिए और इसे आप बना लीजिए एक कटलेट शेप। देखिए इस तरीके से। नहीं नहीं कोई डरिए मत, आपको लग रहा है कि यहाँ से खुला हुआ है फट जाएगा, फ्राई करने के टाइम पे दिक्कत आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे के प्रोसीजर से आपको पता भी नहीं चलेगा कि वहाँ कुछ ऐसा खुला हुआ था। तो इसी तरीके से सबसे पहले तो आप बना बना कर साइड पर रखते जाइए। ये नॉर्मल सादा पानी है और साफ पानी है, इसमें डालते जाए और बनाकर साइड पर रखते जाए, हमारे कटलेट का शेप देते जाए इस तरीके से। आप चाहें तो कबाब का शेप भी दे सकते हैं और इसे साइड पर रखते जाए। चलिए, ये मैंने सारे कटलेट्स बना रही है मैक्रोनी वाले, तो अब इसे आप आधे या 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें सो दैट मैनेजेबल हो जाए। तब तक हम दूसरी प्रिपरेशन कर लेते हैं। एक बाउल के अंदर 5-6 टेबलस्पून भरकर मैदा डालें, चुटकी भर नमक डाल दीजिए और थोड़ा सा पानी डालकर बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ऐसा मिक्स कीजिए कि गुठलियाँ ना रहे और टेक्स्चर और कंसिस्टेंसी ऐसी बनाइएगा इस मिक्सचर की कि एकदम पतला भी ना हो और एकदम गाढ़ा भी ना हो, इस तरीके से। अब 1 घंटा हो चुका है, मैनेजेबल हो गए हैं, तो अब हमने ये जो लिया है मिक्सचर मैदे का उसमें उलट पलट करें और उसके अच्छे से चारों ओर से उलट पलट करें, साइड से भी करें। उसके बाद आप ब्रेड क्रम्स में डालें और ब्रेड क्रम्स से भी बहुत अच्छे से वेल कोट चारों ओर से करें और ये बन गया हमारा एक कटलेट। इसी तरीके से सारे कटलेट बना लीजिए। अब हम आते हैं वो जो खुले खुले से जो लग रहे थे कि उनमें से निकल ना जाए, उसका डर था। तो मैंने क्या किया, इनिशियल जो मुझे ऐसे लग रहे थे कि खुले खुले से ऐसे लग रहे हैं तो मैंने थोड़ा सा, आप देख सकते हैं, बैटर थिक रखा है इनिशियल स्टार्ट वाले, उसको थोड़ा थिक बैटर रखा, उससे सारे को बना लिया, डिप करके ब्रेड क्रम करके रख दिया। फिर मैंने पानी डाला और उसकी मीडियम कंसिस्टेंसी, जो ना ही थिक ना ही थिन की कंसिस्टेंसी बनाई और उसमें उलट पलट किया, डिप किया और फिर ब्रेड क्रम्स लगा के मैंने इस तरीके से साइड पर रखते गई। तो आपने देखा कि कोई भी, अभी आप मेरे देख सकते हैं कटलेट कोई भी खुले हुए नहीं दिख रहे हैं आपको। और दूसरा तरीका ये है कि आप मीडियम कंसिस्टेंसी का ही बनाएं। एक बार आपने ये जो मिक्सचर में डाल दिया मैदे के और ब्रेड क्रम्स लगा लिए, फिर आप सेकेंड टाइम भी कोट करके फिर से ब्रेड क्रम लगा सकते हैं, तो 2 कोटिंग कर सकते हैं। बट मैंने वैसा नहीं किया और मैंने दूसरा वाला वे किया, दोनों ही वे सही है। तो चलिए, ये सारे बन चुके हैं। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल भी दिख नहीं रहा है, जैसे हल्का हल्का दिख रहा था ना, कहीं से कॉर्न्स दिख रहे थे, कहीं से क्या दिख रहा था, अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है। माशाल्लाह ऐसा लग रहा है एकदम परफेक्ट कटलेट बन चुके हैं हमारे। और अब इसे आपने अभी फ्राई करना है तो आधे पौने घंटे के लिए फ्रिज में रख दें और फिर फ्राई करें। और अगर आपने डीप फ्रीज करके रखना है तो 1-1.5 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दें दोनों थाली को एज इट इज। और 1-1.5 घंटा हो जाए तो एयर टाइट कंटेनर के अंदर सबसे पहले तो नीचे बटर पेपर लगाइए, फिर हमारे ये जो कटलेट्स हैं ये सारी लगा दीजिए लाइन सर, फिर से एक बटर पेपर रखिए, फिर से हमारी कटलेट्स की लाइन बिछा दीजिए, फिर से बटर पेपर रखकर फिर से लाइन बिछा कर कटलेट की ढक दीजिए और इस एयरटाइट कंटेनर को फ्रीजर में रख दें। आप तकरीबन 1 महीने तक रख के खा सकते हैं। अगर आपके पास एयरटाइट कंटेनर ना हो तो आप जिप लॉक बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिप लॉक बैग में एक के ऊपर एक डालकर मत रखिएगा, बराबर में साइड बाय साइड रखिएगा और जिप लॉक कर फिर फ्रीजर में डाल दीजिए। मैं थोड़े फ्रीज कर रही हूँ और थोड़ों को मैं ये वालों को अभी बना रही हूँ, तो मैं आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ इन्हें। चलिए, आधे पौने घंटे के बाद एक कढ़ाई के अंदर तेल गरम कर लीजिए। तेल अच्छा गरम हो जाए तो मीडियम आंच कर दीजिए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर हमारी 2-3 कटलेट एट अ टाइम डालें और इसे कुछ सेकेंड्स के लिए फ्राई होने दें। कुछ सेकेंड्स हो जाए तो उलट पलट करते हुए इसे मीडियम आंच पर पका लें। जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो बाहर से क्रिस्पी भी हो जाएंगे, वैसे अंदर से तो सारी चीज़ें पकी हुई है, तो इसे निकाल लें और छन्नी के ऊपर साइड पर रख दें।
टिश्यू पेपर के ऊपर बिल्कुल भी मत रखिएगा, नहीं तो हल्के हल्के सॉफ्ट नरम पड़ जाते हैं, क्रिस्पी नहीं रहेंगे। अब इन्हें निकाल लीजिए, साइड पर रख दीजिए, इसी तरीके से सारे बैचेस में मीडियम आंच पर फ्राई कर लें। चलिए, मैंने जितने निकाले थे वो सारे फ्राई कर लिए। ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी है, आप देख सकते हैं, और ज्यादा ऑयल भी हाथ में लग नहीं रहा है। अच्छा, अब मैं आपको एक तोड़कर भी दिखा देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ज्यादा गर्म है कटलेट, बापरे माशाल्लाह क्या मजेदार लग रहे हैं, और सच पूछे तो टेस्ट इतने मजेदार है कि आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। इनफैक्ट मैंने, आपने देखा, मैंने कबाब शेप में भी बनाया था। ये देखिए क्या मजेदार लग रहे हैं। वैसे कुछ चटनियों की रेसिपी मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल देती हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। बच्चों के लिए बनाए तो स्पाइस कम डालिएगा, या आप भी कम स्पाइस खाते हो तो स्पाइसेस अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए। पैन के अंदर थोड़ा सा तेल डाल दीजिए, चूल्हा चालू कर दीजिए, और इसमें डाल दीजिए एक छोटा चाय का चम्मच बारीक कटा हुआ या कूटा हुआ लहसुन। मैंने कूटा हुआ डाला है, और इसे तकरीबन एक मिनट तक फ्राई कीजिए। जब एक मिनट हो जाए तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम चिकन बोनलेस को एकदम छोटी छोटी बोटी करवाई थी, और घर पे ही उससे करवाने के बाद घर पे ही थोड़ा सा मैंने कीमा कैसे कूटते हैं वैसे थोड़ा सा घर पे कूट लिया था बोर्ड के ऊपर। तो ये देख सकते हैं आप, बहुत बारीक बारीक पीसेस है। अब डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार, लेकिन कीमा नहीं है ये। अब चूल्हा मीडियम आंच कर दीजिए, और इसका पानी छूटने दीजिए, और कलर चेंज हो जाए तब तक फ्राई कीजिए। बीच में मैंने आधी हरी मिर्ची बारीक कटी हुई डाली थी, आप चाहें तो कम या ज्यादा, या फिर स्किप भी कर सकते हैं। अब ये पानी छूट गया है और कलर चेंज हुआ है, तो यहाँ डाल दीजिए एक छोटा चाय का चम्मच सिरका, एक बार चला लीजिए। अब डाल दीजिए 3/4 छोटे चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, कम या ज़्यादा अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं आप। 1/4 छोटे चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, ये डालकर, दोनों चीज़ डालकर मिक्स कर लीजिए, और इसे स्लो आंच पर ढक कर पकने दीजिए। तब तक पकाएं जब तक चिकन पूरी तरीके से गल नहीं जाती, तो पानी भी सूख जाएगा। अगर बीच में एक बार चेक कर लीजिए खोल के, अगर लगे कि बहुत सूख चुका और गली नहीं है चिकन, एक चीटा मार लीजिएगा पानी का, और फिर ढक कर स्लो आँच पर रहने दीजिएगा। चलिए 10-12 मिनट हो चुकी है, चिकन चेक कर लीजिए। जब चिकन गल जाए तो यहाँ पर डाल दीजिए 2 टेबलस्पून भरकर पिज्ज़ा पास्ता जो सॉस आता है ना रेडीमेड, वो वाला डाल दीजिए। मैं वीबा का डाल रही हूँ। अगर आपके पास ना हो पिज्ज़ा सॉस तो आप 1 टेबलस्पून चिली सॉस और 1 टेबलस्पून टमाटर सॉस को मिक्स करके इसमें डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर मैं बारीक कटी हुई प्याज डाल रही हूँ, एक छोटी सी थी, पर मैं आपको बता देती हूँ कितने टेबलस्पून होती है। हाँ, अगर आप भर कर लेंगे तो 2 टेबलस्पून, 2.25 टेबलस्पून जितनी होगी। अब मैंने तीनों टाइप की शिमला मिर्च को 1/4 लिया है, और 1/4 को बारीक बारीक काटा है, उसकी भी मैं बता देती हूँ टेबलस्पून में कितने होंगे। ये देखिए, समझिए ना, भर कर आप लोगे तो 1.5 टेबलस्पून लाल शिमला मिर्च डाली मैंने, 1.25 या 1.5 टेबलस्पून जितनी ही पीली शिमला मिर्च डाली, ये देखिए, और हरी शिमला मिर्च बड़ी थी तो तकरीबन समझे ना 2.25 टेबलस्पून जितनी निकली है। अब ये सारी चीज़ों को डाल दीजिए। एक छोटा चाय का चम्मच या फिर मिक्स्ड हर्ब डालें या फिर ऑरेगानो डालें, मैंने ऑरेगानो डाला है हर्ब, और सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए, और 1-2 मिनट तक इसे सिर्फ पकने दीजिए। 1 मिनट में मैं स्लो आंच पर पका रही हूँ, और बाकी का 1 मिनट मैं मीडियम आंच करके चूल्हा पका लेती हूँ इन्हें। जब बाकी का 1 मिनट हो जाता है तो चूल्हा कर दीजिए बंद, और इसे ठंडा हो जाने दीजिए, साइड पर रख दीजिए। चलिए दूसरी प्रिपरेशंस कर लेते हैं। एक प्याले के अंदर 3-4 टेबलस्पून मैदे का आटा डालिए, और थोड़ा सा पानी डालकर इसे एक अच्छा घोल बना लीजिए। एकदम गाढ़ा भी नहीं और एकदम रनी भी नहीं होना चाहिए, मीडियम कंसिस्टेंसी का ये घोल बनाइएगा, और इसे भी साइड पर रख दीजिए। अब एक ब्रेड लीजिए, स्टील की वाटी बड़ी सी लीजिए, और इसे इस तरीके से करेंगे ना तो आपको गोल शेप मिल जाएगा, गोल आकार मिल जाएगा, और ये जो साइड के बचे हुए हैं आप इसे पीस कर इसका ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं। चलिए इसी तरीके से सारे ब्रेड को कर लीजिए और राउंड शेप दे दीजिए। ये सारे मैंने बना लिए हैं, इसे साइड पर रख देती हूँ।
दो ब्रेड लीजिए, उन्हें इस तरीके से रखिए। एक आइसक्रीम स्टिक लीजिए जो मैदे का हमने बना के रखा है, ग्लू कहिए या मिक्सचर कहिए, वो भी रखिए। और ये जो स्टिक है ना आइसक्रीम की, इस तरीके से इस पे मैदे का उलट पलट दोनों ओर पे ये लगा दीजिए, 1/4 पोर्शन पे ये देखिए, और इसे एक ब्रेड के ऊपर रख दीजिए, ऐसे आप देख सकते हैं। अभी जो चिकन मिक्सचर है वो लीजिए और बीच में यहाँ ये डाल दीजिए, हमारा चिकन का मिक्सचर 1.25 टेबल स्पून जितना लीजिएगा। अब इसके ऊपर एक चीज का स्लाइस रख दीजिए, और ये जो हमारा हमारा दूसरा वाला ब्रेड है ना, इसके चारों ओर इसका जो मैदे का हमने ग्लू कहिए या मिक्सचर या स्लरी बना के रखा है, इसे चारों ओर लगा दीजिए और इसे इस तरीके से कवर, पहले प्रेस कर लीजिए फिर कवर कर लीजिए, और इसे अच्छे से हाथों की मदद से प्रेस करें तो चारों ओर से ये चिपक जाए ना, हमने ग्लू लगाया है, ये मैदे का ग्लू लगाया है। तो ये देखिए हमारी बन गई एक पॉप्सिकल, इसी तरीके से सारे बना लीजिए। अच्छा, मैंने क्या किया, एक साथ सारे लगा दिए हैं ब्रेड्स, उसके बाद ये स्टिक्स लगा दी है, उसके बाद सारी चिकन मिक्सचर डाल रही हूँ, और अच्छे से चिकन मिक्सचर डालिएगा, और उसके बाद सारे जो उसके ऊपर मैंने छोटे छोटे चीज के पोर्शंस रख दिए हैं अपनी चीज स्लाइस, और उसके बाद फिर मैंने कवर कर लिया, तो एक साथ हो जाता है तो क्विकली हो जाता है। ये देखिए सारे हो गए हैं मेरे, आप देख सकते हैं ये मिक्सचर के अंदर तकरीबन 10 बने हैं। इसे साइड पर रख दीजिए, एक बड़े से बाउल में 2 अंडे डाल दीजिए, हल्का सा नमक और 3-4 टेबल स्पून जितना दूध डालकर बहुत अच्छे से फेंट कर इसे साइड पर रख दीजिए। अब ये है ब्रेड क्रम और ये हमारी एक पॉप्सिकल चिकन वाली पिज्जा वाली। अब इसके बहुत अच्छे से उलट पलट करते हुए बहुत अच्छे से डिप कीजिए, और अंडा बराबर चारों ओर लगना चाहिए, उसके बाद आप ब्रेड क्रम्स में डालें, अच्छे से वेल कोट करें चारों ओर से, साइड पे रखते जाइए, इसी से तरीके से सारे बनाते जाइए। अच्छा, जो अंडा और ब्रेड क्रम है ना, ये जो जहाँ स्टिक है ना वहाँ बराबर से लगनी चाहिए, तो अगर आपका अंडा वहाँ नहीं पहुँच रहा है तो आप चम्मच की मदद से भी वहाँ डाल सकते हैं और ब्रेड क्रम अच्छे से लगा लीजिएगा। ये चलिए सारे बन चुके हैं। अब आप अगर अभी फ्राई करना चाहते हैं तो आधे घंटे के लिए सेट होने फ्रिज में रहने दीजिए, और अगर आपको इसे स्टोर करना है तो आप डायरेक्टली ये दोनों प्लेट्स को फ्रीजर में रख दीजिए एज इट इज, उसके बाद 1 घंटे के बाद निकालिए, एक एयरटाइट कंटेनर के अंदर नीचे बटर पेपर डालें, फिर आपकी ये पॉप्सिकल्स डाल दें, फिर बटर पेपर डालें, फिर पॉप्सिकल्स डालें, इसी तरीके से लेयर्स बनाते जाएं और इसे ढक कर फ्रीजर में रख दें, 1 महीने तक रख के खा सकते हैं या फिर आप जिपलॉक बैग में भी रख सकते हैं। अच्छा, मैं आधी रख रही हूँ फ्रीज करके स्टोर करके, और आधी को मैं अभी ही बना रही हूँ, तो मैं आधी जो बना रही हूँ उसे फ्रिज में रख देती हूँ, और ये जो मेरी थी इसे मैंने फ्रीजर में रखा था और उसके बाद कड़क हो गई, उसके बाद मैंने इसे डब्बे में डाला है। फ्राइंग के लिए तेल लीजिए, फास्ट आंच पर तेल गर्म हो जाए तो उसे मीडियम आंच कर दीजिए, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर पॉप्सिकल डाल दीजिए हमारी चिकन पिज्जा वाली, और इसे कुछ सेकेंड्स के लिए फ्राई करें, उसके बाद उलट पलट करते जाएं और मीडियम आंच पर तब तक फ्राई करें जब तक ये लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसे एक छन्नी के ऊपर निकाल कर साइड पर रख दीजिए, टिश्यू पेपर के ऊपर मत निकालिएगा, नहीं तो हल्के से नरम पड़ जाते हैं। इसी तरीके से सारे बैचेस में फ्राई कर लीजिए। मैंने अंडे की कोटिंग देकर फिर ब्रेड क्रम्स में रोल किया है, आप चाहें तो मैदे की कोटिंग भी कर सकते हैं, अंडे को स्किप कर दीजिएगा और मैदे की एक मीडियम कंसिस्टेंसी की कोटिंग बनाकर उसमें उलट पलट करके फिर ब्रेड क्रम्स में उसे अच्छे से वेल कोट कीजिएगा। चलिए ये सारे बन चुके हैं, आप देख सकते हैं बढ़िया से हमारे चिकन पॉप्सिकल्स पिज्जा वाले। अब मैं आपको एक बता भी देती हूँ कितने क्रिस्पी है, ये देखिए माशाल्लाह। अब मैं आपको एक खोल कर भी दिखा देती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए क्या माशाल्लाह दिख रहे हैं, चीज भी है, क्या बढ़िया लग रहे हैं, और टेस्ट में तो इतने मजेदार है कि आप खाओगे ना तो खाते रह जाओगे इंशाल्लाह, इतने बढ़िया है, इन्हें कोई चटनी वगैरह की भी जरूरत नहीं है, इनफैक्ट बढ़िया से मजेदार से बनते हैं घर पर। तकरीबन 1 कप जितना चिकन का स्टॉक मैंने अभी अभी बनाया है चिकन हलीम बनाने के लिए, मैं आपको बता देती हूँ स्टॉक कैसे निकला। यहाँ 250 ग्राम चिकन बोनलेस को मैंने मीडियम पीस करके
ढाई कप पानी डालकर, नमक डालकर, एक छोटा चक्का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और मीडियम आंच पर उसे बॉईल कर लिया। तब तक बॉईल किया जब तक चिकन नहीं गल गई। चिकन गल गई तो मैंने उसे चिकन को निकाल लिया और ये तकरीबन एक कप जितना पानी बचा हुआ है। अब इसे मैंने फास्ट आंच पर चूल्हा चालू कर दिया। एक उबाल खिला लीजिए। एक उबाल आ जाए तो मैगी के पैकेट के अंदर से आधी मैगी लीजिए और इसमें डाल दीजिए और मीडियम आंच पर या फास्ट आंच पर इसे पकने दें। नमक मत डालिएगा, मसाला भी मत डालिए। तब तक पकाए जब तक मैगी भी गल जाए और ये पूरी तरीके से पानी सूख जाए। जब पानी सूख जाए चूल्हा बंद करके इसे साइड पर ठंडा होने रहने दीजिए। ये है 250 ग्राम चिकन कीमा लिया है मैंने। कीमा ही लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। और इसे मैंने दो तीन पानी से धोकर नितारने के लिए छन्नी के ऊपर 10-15 मिनट के लिए साइड पर रख दिया था। अब मैं तब भी इसे हल्का हल्का हाथों की मदद से स्क्वीज़ कर रही हूँ और फिर मिक्सर जार के अंदर डाल रही हूँ। एकदम ज़्यादा मत स्क्वीज़ करके इसकी जान मत निकाल दीजिएगा, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का स्क्वीज़ कीजिए। हमारा मकसद ये है कि पानी ना जाए, बस इतना देखना है हमें। अच्छा, छन्नी पर भी जो लगाओ वो भी सारा ले लीजिएगा, कोई भी चीज़ वेस्ट ना होनी चाहिए, बहुत महंगी चीज़ें आती है आजकल। एक हरी मिर्ची डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं कम या ज़्यादा। यहाँ पर मैं आधा छोटे चाय का चम्मच नमक डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार एडजस्ट कर लीजिएगा। और 1/8 मतलब 1/4 का आधा, तो 1/8 छोटा चाय का चम्मच मैं काली मिर्चियों का पाउडर डाल रही हूँ। 1/4 1/4 छोटे चाय का चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, कश्मीरी वाला था, ये भी डाल रही हूँ। 3 साबुत लहसुन डाल दिए मैंने 1/4 छोटा चाय का चम्मच भर के। ऑरेगानो डाल दीजिए हर्ब। 1/4 विनेगर डाल दीजिए, छोटा चाय का चम्मच 1/4 था। और ये भी 1/4 छोटा चाय का चम्मच सोया सॉस डाल दीजिए और 1 छोटा चाय का चम्मच रेड चिली सॉस डालकर इसे पीस लीजिए। पॉपसिकल बनाने के चक्कर में मैं इतनी एक्साइटेड हो गई कि एक से दो चीज़ भूल गई थी, तो बीच में से मैंने खोल लिया इसे फिर से। और अब इसमें डाल देती हूँ आधा छोटा चाय का चम्मच असली घी का, आप तेल या मक्खन भी डाल सकते हैं। और इसमें आधे ब्रेड को हाथों की मदद से तोड़ दीजिए, बारीक बारीक पीस कर कर इसमें डाल दीजिए। अच्छा, अब बात आती है सोया सॉस पर। मुझे आधा छोटे चाय का चम्मच सोया सॉस डालना था, बट मेरा बहुत ज़्यादा डार्क है तो इसके लिए मैंने पहले 1/4 डाला और अब मैंने देखा कि कलर ज़्यादा डार्क नहीं हो रहा है, इसके लिए मैंने फिर से 1/4 डाल दिया। अब इसे ढक कर, आपने पूरा आधा ही डालना है अगर आपकी लाइट हो तो सोया सॉस, मेरी डार्क थी इसके लिए मैंने दो हिस्सों में डाला है। अब इसे ढक कर बहुत अच्छे से पीस लीजिए इस तरीके से। अब जब पीस लें तो इसे एक प्लेट में निकाल लीजिए थाली के अंदर इस तरीके से। जो भी साइड वाइड पे लगा हो वो सारा लीजिएगा, वेस्ट मत कीजिएगा। अभी जो मैगी हमने बनाकर रखी है एकदम फ्लेवरफुल, जो इसे डाल दीजिए ये हमारे चिकन के ऊपर। चिकन के स्टॉक में नमक था, इसके लिए मैंने मैगी में अलग से नमक नहीं डाला था। और अब यहाँ पर मैं ये जो मैगी का मसाला आता है ना वो आधा डाल रही हूँ। हाँ, ये जो मसाला आता है ना, तो ये आधा डाल दीजिए और इसे सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर आपको लगे कि हाथों को थोड़ा सा तेल से ग्रीस करने जैसा, तो थोड़ा कर लीजिएगा और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स हो जाए तो इसे फ्रिज के अंदर तकरीबन आधे पौने घंटे के लिए रहने दें, सो दैट हम जब शेप देंगे तो उसमें थोड़ी सी बॉडी आ जाए ना, ये थोड़ा मैनेजेबल हो जाए। यूजुअली मैं क्या करती हूँ, मैं जब बहुत ज़्यादा घाय में रहती हूँ तो मैं इसे फ्रीजर में ऊपर रख देती हूँ तकरीबन 15-20 मिनट या आधे घंटे के लिए, सो दैट वो अच्छा थोड़ा सा स्टिफ हो जाए। एक बाउल के अंदर 4-5 टेबल स्पून जितना मैदा डालिए, पानी अपने हिसाब से डालिएगा, आधा पौना कप जितके दरमियान में लगेगा, उसमें थोड़ा सा नमक डालकर बहुत अच्छा घोल बना लीजिए मीडियम कंसिस्टेंसी का, ना ही गाढ़ा ना ही पतला, मीडियम कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और बिल्कुल भी बैटर में गुठलियाँ ना रहें, इसके लिए बहुत अच्छे से मिक्स कीजिएगा और इसे भी बनाकर साइड पर रख दीजिए। 20-25 मिनट हो गए मैंने फ्रीजर से निकाला है, आप फ्रिज के अंदर आधे पौने घंटे के लिए रखे होंगे तो कोई बात नहीं, वहां से निकाल लीजिए, हाथों को तेल की मदद से ग्रीस कीजिए और इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर दीजिए। मैंने तकरीबन लगभग 8 पोर्शंस लिए हैं। अब उसे एक पोर्शन को लीजिए, हाथों में इस तरीके से बॉल बनाए और चपटा बनाते हुए ऐसा शेप देते जाएं, ये देखिए आइसक्रीम का शेप देते जाएं, साइड से भी अच्छा शेप दें, नीचे से स्ट्रेट शेप दें और ऊपर से गोलाई वाला शेप दें। और इसे इस तरीके से, एकदम पतला भी नहीं होना चाहिए, एकदम मोटा भी नहीं होना चाहिए। अब एक स्टिक लीजिए और बीच में इस तरीके से थोड़ा अंदर तक डाल दीजिए ऐसे। अच्छा, अब हाथों की मदद से आइसक्रीम जैसा शेप दे दीजिए साइड वगैरह से एंड ऑल। अच्छा, अगर आप चाहें तो अभी इस समय और थोड़ा लंबा करना चाहते हैं इसे, तो और थोड़ा सा
लॉन्ग कर सकते हैं इसे आप, इसी स्टिक के ऊपर रखे रखे थोड़ा सा, हाँ इस तरीके से हाथों की मदद से आप फैलाएंगे ना तो फैलती जाएगी। तो ये बन गई हमारी एक पॉप्सिकल, इसे साइड पर रख दीजिए, इसी तरीके से सारे बना लीजिए। तकरीबन मैंने 8 बनाए हैं, 8 से 9 तकरीबन ये मेजरमेंट के लिए निकलेंगे। अगर आपको ज़्यादा बनानी है तो जो अभी मैंने सारा मेजरमेंट्स बताया है ना चीज़ों का, वो डबल कर दीजिएगा। जैसे मैगी मैंने आधी ली, आप पूरी ले लीजिएगा। चिकन मैंने 250 ग्राम लिया, आप 500 ग्राम ले लीजिए। और सारी जो इंग्रेडिएंट्स है उसे डबल कर दीजिएगा, तो तकरीबन समझिए ना 16-17 बन जाएंगे। चलिए ये सारे बन चुके हैं। अब मैंने मैदे के आटे में नमक नहीं डाली थी, तो थोड़ा सा नमक डालकर मैं पहले तो इसे चला लेती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि कैसा टेक्स्चर है, ना ही पतला ना ही गाढ़ा, एकदम परफेक्ट टेक्स्चर है। अब एक स्टिक लीजिए, पॉप्सिकल लीजिए, इस तरीके से बराबर से चम्मच की मदद से चारों ओर डाल दीजिए मैदे के मिक्सचर को। और ये जो हमारी स्टिक है ना, जहाँ हमने स्टिक डाली है वहाँ पर बहुत अच्छे से कीजिएगा कि बराबर से जाए। और फिर इसे ब्रेड क्रम में इस तरीके से बराबर से वेल कोट कर लीजिए। और यहाँ पर भी याद रहे कि जहाँ स्टिक हमने लगाई है वहाँ पर आप ज़्यादा ध्यान दें और चारों ओर अच्छे से वेल कोट कर लें। और ये बन गया हमारा एक बढ़िया सा पॉप्सिकल। इसी तरीके से सारे पॉप्सिकल को बना लें। अब सारी जब बन जाए तो इन्हें प्लेट में डालकर, थाली के अंदर डालकर फ्रिज के अंदर तकरीबन 1 घंटे के लिए रहने दें। अगर आप इसी समय फ्राई करना चाहते हो तो 1.5-2 घंटे के बाद ही फ्राई कीजिएगा, पहले फ्रिज में रख दें। अच्छा, अब आप चाहें तो इसे तकरीबन फ्रीज करके स्टोर करके भी खा सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, आप ये थाली जब आप ये पूरा कर लें, वेल कोट कर लें, तो थाली लीजिए और डायरेक्टली ऊपर फ्रीजर में रख दीजिए 1 घंटे के लिए, या फिर आप नीचे फ्रिज में रख रहे हैं तो 2-3 घंटे के लिए रख दीजिए। जब अच्छी स्टिफ हो जाए तो इसे एयरटाइट कंटेनर के अंदर सबसे पहले नीचे बटर पेपर डालिए, फिर आपकी ये एक एक करके ये स्टिक्स डाल दीजिए, फिर से बटर पेपर डालिए और स्टिक्स डालकर इसे ढककर तकरीबन 15-20 दिन तक आप इसे रख कर फ्रीज कर स्टोर कर खा सकते हैं। अगर आपके पास एयरटाइट कंटेनर ना हो तो आप जिपलॉक बैग के अंदर इसे डालकर जिपलॉक लगा दें और इसे फ्रीजर में रख दें। अच्छा, जिपलॉक बैग के अंदर एक के ऊपर एक मत डालिएगा, साइड बाय साइड लगाकर रखिएगा इसे। चलिए, मैंने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था क्योंकि मुझे अभी ही बनाना है। अब तेल फास्ट आंच पर गरम कर लीजिए, अच्छा गरम हो जाए तो मीडियम आंच कर दीजिए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर 2-3 पॉप्सिकल्स एट अ टाइम डालें। उसे 1.5-2 मिनट तक फ्राई होने दें। जब 1.5-2 मिनट हो जाए तो उलट पलट करते जाए और मीडियम आंच पर तकरीबन उलट पलट करते हुए समझे ना 6-7 मिनट के दरमियान तक पका लें। इस दरमियान में ये होगा कि अंदर से चिकन पक भी जाएगी पूरी तरीके से, क्योंकि कच्ची चिकन है, और बाहर से लाइट गोल्डन ब्राउन भी हो जाएगी हमारी चिकन। तो दोनों ही चीज़ें हो जाएंगी 6-7 मिनट के अंदर। उसके बाद इन्हें निकाल कर नितार कर एक छन्नी के ऊपर रख दीजिए, टिश्यू पेपर के ऊपर मत रखिएगा, नहीं तो थोड़े से ये हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे और क्रिस्पी नहीं रहेंगे। जब हो जाए तो निकाल लीजिए और साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से सारे फ्राई कर लीजिए, बैचेस के अंदर फ्राई कीजिएगा। अच्छा, अब आप चाहें, अब आपका तेल अगर बाय मिस्टेक आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है और बहुत ज़्यादा जल्दी बाहर की कवरिंग डार्क हो रही है, तो आप क्या कीजिए, मीडियम के बजाय मीडियम से नीचे, हल्का नीचे रखें लेकिन लो से थोड़ा ऊपर रखें। तो लो से मीडियम आंच के दरमियान में भी आप पका सकते हैं। जी हाँ, ऐसे मैं इसे बीच बीच में लो से मीडियम आंच भी कर रही थी। आप चाहे तो मीडियम पर पकाएं, आप चाहे तो लो से मीडियम के दरमियान में भी पका सकते हैं, लेकिन मीडियम से ऊंचा मत कीजिएगा आंच को। तो चलिए, मैंने सारी बना ली है, यह मैं आपको एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ज़्यादा गर्म है। चलिए मैं दूसरा ले लेती हूँ, एक ये मैं तोड़ के आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट है अंदर से और बाहर से क्रिस्पी, और इसका जो टेस्ट है ना आपके मुंह से नहीं जाएगा, इतने स्वादिष्ट है। आप एक खाएंगे उसके बाद 3-4 लगातार खाते रहेंगे, इतना बढ़िया और मज़ेदार टेस्ट है इसका, है ना। डिलीशियस हमारी रेसिपी आज की, तो है ना मजेदार चारों रेसिपी। अगर ये वाली रेसिपीज आप बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं और इनसे हमें प्रेरणा भी मिलती है। अच्छा, अगर ये वाली रेसिपीज आपको अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिए, उससे ज्यादा अच्छी लगी हो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।